सहारनपुर की थाना बड़गांव पुलिस द्वारा ग्राम सुभरी में विकास की हत्या करने वाले एक अभियुक्त अभिजीत पुत्र धीर सिंह को ग्राम सुभरी में स्थित अभियुक्त के ट्यूबवेल से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक देसी तमंचा आलोर, एक खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस, 250 रुपये भी बरामद किए हैं। उक्त मामले का खुलासा आज पुलिस लाइन में एसपी देहात सूरज राय ने प्रेसवार्ता कर किया। थाना बड़गांव के सुभरी गांव में कुछ दिनों पहले एक हत्या हुई थी और विकास नाम के व्यक्ति की, और थाना बड़गांव पुलिस ने उसका सफल अनावरण किया है, उसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और पूरी घटना को उन्होंने उसका शीर मीर उसका अनावरण किया है। इसमें अभियुक्त जो है अभिजीत नाम का व्यक्ति है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा जो है 315 बोर का और कुछ राउंड्स बरामद हुए। देखिए, ये जो है एक परिवार का मामला है। ये जो सभी लोग हैं इसमें एक कुल के लोग हैं और एक संपत्ति, एक भूमि को लेकर इनके बीच में आपस में कुछ कसीदगी थी, और इसमें जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो और अभिजीत, ये दोनों उसी संपत्ति के संबंध में अपने दूसरे रिश्तेदार जो है रामपाल, उनके यहाँ बात करने गए थे। और क्योंकि ये लोग नशे में थे, शराब पी के गए हुए थे, तो एक वक्त के बाद हालात इनके हाथ से काबू से बाहर हो गए और अभिजीत को ऐसा लगा कि ये विकास जो है हत्या कर देगा, तो बीच बचाव करने में इसने गोली से फायर कर दिया और विकास को गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। सहारनपुर के गागलहेड़ी क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी एक बस खाई में पलटी। बताया जा रहा है बस चालक को अचानक नींद की झपकी आने से हुआ है हादसा। बस में 50 से अधिक श्रद्धालु महाराष्ट्र से केदारनाथ की ओर जा रहे थे। घटना में एक दर्जन से अधिक बस सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भर्ती करवाया। घटना हरोडा कट से पहले की बताई जा रही है। सहारनपुर के हिरन मारान में पंडित होजरी की दुकान का शटर फाड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दुकान स्वामी रजत शर्मा ने बताया कि चोरों ने दुकान का गल्ला तोड़कर उसमें रखे 80,000 रुपये चोरी कर लिए हैं। चोरी की घटना से व्यापारियों में भारी रोष बना हुआ है।